लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोहित, करण, तुम, मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा गया है। क्यों, किसने भेजा है तुम्हें? भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसी से जिसकी रचाई गई ये सारी साजिश है, विशंबर। विशंबर? हाँ, कमिश्नर साहब की आस्तीन का सांप, जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे काजल की हत्या करवानी चाही, और अब मेरी मां की जिंदगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौत चाहता है। क्या इत्तफाक है, वहां काजल विवाह की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहां मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। काजल, आज काजल से मेरी शादी है। यानी कि मेरी मां की जिंदगी की कीमत काजल का सुहाग है। तो तुम मेरी जान ले लो करण, तुम मेरी फिक्र मत करो करण, काजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मां कोई और नहीं मिलेगी। खत्म कर दो मुझे, मार डालो मुझे। जय जय। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरी मां को रिहा कर दो। मैंने झूठ बोला था, अब तू भी मरेगा और साथ में तेरी मां भी। ना करना ना। इसने एक ही गोली थी जो चल चुकी, ढूंढ दो साले को। सामने देखकर कैसा लगा? हाँ, यू बास्टर्ड। करण, बाहर निकल हरामजादे। तूने बहुत सी लाशें जलती हुई देखी होंगी, लेकिन आज अपनी मां को जिंदा जलते हुए देख। करण भैया, तुम्हारी जान को खतरा है, पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, तुम पर रोहित भैया को अगवा करने का इल्जाम है। कमिश्नर साहब ने तुम्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी किया है। हाँ? तुम्हें शहर छोड़कर चले जाओ। ये कलंक लेकर मैं ये शहर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ डमरू? मैं इस कलंक को मिटाकर ही रहूंगा।
जब तक मैं लौट कर ना आऊं मेरी माँ का ख्याल रखना। चलो रोहित। करण, करण। घबरा मत माँ, तेरे करण को कुछ नहीं होगा। डीसी से कह दो कि मैंने सारे पुलिस स्टेशन में ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि करण को देखते ही गोली मार दो। शूट एट साइट, इट इज माय ऑर्डर, शूट हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम अलाइव। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है, हम उसे देखते ही गोली मार देंगे। बास्टर्ड! क्या कर रहा है यार तू? अपनी बेटी की शादी के मंडप में खून बहाना चाहता है? थारी अंकल, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। मुझे गुंडों से करण ने बचाया अंकल। अगर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो करण की वजह से। संभालिए अपने दामाद को बाबूजी, और पूरे कर लीजिए अपने बड़े बड़े अरमान। तेरा ये नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हरामजादे। मैंने आपको बाबूजी के नाम से बुलाया है, हरामजादा तो नहीं कहा? कमाल है अंकल, एक तो करण ने मेरी जान बचाई और आप इसे गाली दे रहे हैं। तुम नहीं जानते रोहित, इसी तरह का नाटक इस कमीने ने मेरी काजल की जान बचाकर भी किया था। उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत लिया था इसने। ये गुंडा पैदाइशी मुजरिम है। कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता साहब, या तो बनाया जाता है या फिर बन जाता है। लेकिन तुम जरूर पैदाइशी मुजरिम हो। मुझे यकीन है कि जो खून तुम्हारी रगों में बह रहा है वो दसवें दर्जे का गंदा खून है। कमिश्नर सूर्यदेव सिंह, मुझसे बात करो, मुझसे। मेरे बाप, मेरी माँ का नाम मत लो। मेरे खून को ललकारने की कोशिश मत करो, वरना सर्वनाश होगा, सर्वनाश। देखा रोहित, गंदे कीड़े को छूते ही कैसे लपकता है वो डंक मारने को। इसे कहते हैं मुजरिम, पैदाइशी मुजरिम। हाँ, मैं मुजरिम हूँ, पैदाइशी मुजरिम, कीड़ा हूँ मैं। कमिश्नर साहब, मैं मुजरिम हूँ ना, और मैं यहाँ मक्कारी का नाटक करने आया हूँ। तो ठीक है, अब देखिए ये मुजरिम क्या करता है। ये शादी होगी और रोहित और काजल की ही होगी, और यहाँ इस मंडप में मेरे सामने होगी। पंडित जी, हवन पर बैठिए और रोहित और काजल की शादी करवाइए, अभी इसी वक्त। तुम पागल हो गए हो करण? हाँ, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और ये पागल तुम्हें हुक्म देता है कि अभी इसी वक्त तुम मंडप में बैठ जाओ। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो करण? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है, जो कब और कहां से वार करेगा कहां नहीं जा सकता। और अब तो मैंने हथियार भी उठा लिया है, तो जब तक मैं तुम्हारा आखिरी दुश्मन तक ना मिटा दूं और तुम्हारी रोहित से शादी ना करा दूं, तब तक नहीं जाऊंगा। चाहे मौत का पैगाम भी आए, तब भी नहीं जाऊंगा। रोहित, काजल, मंडप में बैठो। जी, सब सब खत्म हो गया। दीदी, अंगिंदर, फिलिस, जय जय। क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल। सबको मार दूंगा। मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा खानदान खत्म हो गया। हरामजादे, तू भी नहीं बचेगा।
तुझे तो मैंने काजल को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। बोल बोल के तूने ही काजल के माँ बाप को जहर देकर मारा था। हाँ, काजल के माँ बाप को मैंने मारा था, मैंने जहर देकर मारा था। क्यों? क्योंकि मुझे सुंदरनगर प्यारा था, सुंदरनगर चाहिए था। ना आप सुंदरनगर रहा, ना मेरी औलाद रही, इसलिए तुम सबको खत्म कर दूंगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर काजल को मारूंगा। तो तू है वो आस्तीन का सांप, वो एक मुंह से मुझे भाई साहब कहता रहा और दूसरे मुंह से मुझे डसता रहा। फिर तुझे देव सिंह को खत्म कर दूंगा। कमिश्नर साहब, इस मुजरिम में कौन से दर्जे का खून है? आपने मेरे खून को गाली दी थी ना, ये तो आपके ही खानदान का खून है जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है। मुझे तो मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी ने मुजरिम बनाया था, ये क्यों मुजरिम बना? खैर, मैंने तो आज खून कर दिया, सही मुजरिम बन गया मैं। अब आपके कानून को जो करना है कर ले। करण, मेरे बच्चे, मैं जानती थी कि तू जरूर कोई अनर्थ करने जा रहा है। क्या किया? कामा, अनर्थ तो हो गया, तेरा बेटा आज खूनी बन गया। खत्म हो गया वो, आज से अपना ख्याल तो खुद ही रखना। तेरे लिए कुछ ना कर सका मां, मुझे माफ कर दे, समझ लेना आज से तेरा बेटा मर। करण, बने हो करण, आज तुमने एक मुजरिम का खात्मा किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजाजत देता है, तुम्हें नहीं। आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो। काजल आज से तुम्हारी है करण, और तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कानून से लड़ूंगा।